भारत मित्र लाइव में हूँ आपके साथ निशा मिश्रा। हाल ही में नागौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें एक मोर अपने साथी की मौत पर अंतिम संस्कार में उसके साथ अंतिम तक जाता है। अब अलवर से भी एक ऐसे ही अनोखे रिश्ते को बयां करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल अलवर में 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो जाती है। घर में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, इसी दौरान एक बगुला घर की बीचों बीच रखे हुए अर्थी पर आ बैठता है। करीब 2 घंटे तक वहीं लगातार बैठा रहता है। सब लोग जो इकट्ठा हुए थे उसे घूर घूर कर देखते हैं कि आखिर ये बगुला उड़ क्यों नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रहा है, लेकिन बगुला है कि वहीं का वहीं बैठा रहता है। और जब शव यात्रा शुरू होती है तो शमशान घाट में भी लोगों ने बगुले को देखा जो अर्थी के बगल में बैठा हुआ है। आइए देखते हैं ये वायरल वीडियो। दरअसल ये घटना अलवर जिले की है, जहां एक 60 साल के बुजुर्ग मोतीलाल का निधन हो जाने से ये बगुला बेहद उदास और दुखी हो गया है। आपको बता दें कि कदपुरा गांव निवासी मोतीलाल लकवाग्रस्त थे और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घर में शव को श्मशान घाट ले जाने की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान एक बगुला अर्थी पर आकर बैठ जाता है। मोतीलाल के घर के लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं, पर तब भी यह बगुला अर्थी पर ही बैठा रहा। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं। वहीं अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, पर तब भी ये बगुला चिता की बगल में ही बैठा दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम संस्कार के समय भी बगुला आग की तपन के बावजूद चिता के बगल में बैठा रहा। लोग चले गए, इसके बावजूद बगुला वहां काफी देर उस चिता को देखता रहा, मानो बगुला कह रहा हो कि बस इतना ही साथ था इन दोनों का। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल मोतीलाल वो शख्स हैं जिनका निधन हो गया था। उनके भतीजे यादराम ने बताया है कि उनके ताऊजी यानी मोतीराम रोजाना 500 मीटर दूर स्थित मंदिर में जाते थे। यहाँ इस मंदिर में बड़ी संख्या में बगुले आते हैं, वे उन बगुलों की देखरेख करते थे। तभी से इस बगुले और मोतीलाल एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे, और इसका सबूत तो मोतीलाल की अंतिम यात्रा में आप देख ही सकते हैं। कह सकते हैं कि इंसान हो या पशु पंछी, सब प्रेम के भूखे होते हैं। जहां प्रेम मिला उसी के हो लिए। इस बगुले से हमें सीखने की जरूरत है कि स्वार्थ भरी दुनिया में बिना स्वार्थ के भी यह रिश्ता प्रेम भरा हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। अगली खबर के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।